नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज की स्टोरी होने वाली बहुत ही फनी। जी हाँ, हर बार आप सभी देखते होंगे मोरल स्टोरीज मैं बनाता हूँ, मतलब लेके आता हूँ, जहाँ पे आप सभी को बहुत ही अच्छी अच्छी शिक्षा हमें मिलती है, जानकारी हमें मिलती है, कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन ये आज की है फनी स्टोरी। पहले ही आपको बता दूँ, ये मिल्कमैन जो है यानी दूध वाला और तेनालीरमन की बहुत ही अच्छी स्टोरी है। छोटी सी है लेकिन यहाँ पे आपको मज़ा आने वाला है। फनी मतलब मजाकिया जो स्टोरी है वो है यहाँ पे। कुछ आपको कोई खास सीख नहीं मिलने वाली लेकिन आपको मज़ा बहुत आने वाला है स्टोरी के एंडिंग में, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर इस प्रकार से देखिए, अच्छे से एक एक वर्ड आपको दिख सके। स्क्रीन शॉट तो आप ले ही लेंगे। अब यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे हम सेम वही करने वाले, ट्रांसलेशन ही करेंगे, लेकिन स्टोरी फनी है इसलिए आपको पहले से बता रहा हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहले कर देंगे वीडियो को लाइक। इसका जो टाइटल है वो है माधो द मिल्कमैन, यानी उसका नाम क्या है, माधो है जो मिल्कमैन का नाम है, दूध वाला। मिल्कमैन यानी होता है दूध वाला, और यदि दूध वाली होती तो मिल्कमैट कहते हैं उसे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला लाइन, माधो वॉस मिल्कमैन। माधो एक दूध वाला था, यानी एक होता है वॉस जाने था। बहुत ही ईजी है, थोड़ा स्पीड से ट्रांसलेशन करूँगा। बहुत लोग कमेंट किए थे कि सर आप एक ही चीज़ में एकदम डीप में मत जाइए, हमें बहुत कुछ पता है, तो आप मेन मेन वर्ड का ही मीनिंग बताइए। तो आज वैसे ही बनाता हूँ, यदि आपको पसंद आए तो लाइक करेंगे। माधो वॉज अ मिल्कमैन, माधो एक दूध वाला था। बिफोर सेलिंग मिल्क ही ऑलवेज एडेड वाटर टू इट। बिफोर सेलिंग बेचने के पहले, बिफोर यानी होता है के पहले, दूध बेचने के पहले वो हमेशा, ऑलवेज यानी हमेशा, एडेड वाटर पानी मिलाता था टू इट यानी इसमें, किसमें, दूध में हमेशा पानी मिलाता था बेचने से पहले। हिज कस्टमर्स न्यू, उसके कस्टमर्स यानी होते ग्राहक, उनके ग्राहक जानते थे, न्यू यानी जानते थे, बट वर हेल्पलेस, लेकिन वे हेल्पलेस थे। हेल्पलेस यानी मजबूर होना, लेकिन वो मजबूर थे। देयर वॉज नो अदर मिल्कमैन इन द लोकेलिटी। देयर वॉज नो अदर मिल्कमैन यानी वहाँ कोई दूसरा और दूध वाला नहीं था, यानी अकेला उसका रास्ता। इन द लोकेलिटी, लोकेलिटी यानी होता है क्षेत्र, यानी उस एरिया में, उस क्षेत्र में उसके अलावा कोई और दूध वाला नहीं था, इसलिए जानते हुए भी वो लोग कुछ नहीं कर पाते थे, मजबूरी थी। हेल्पलेस यानी होता है भाई मजबूर होना। वन डे एस माधो वॉज अबाउट टू स्टार्ट ऑन हिज राउंड इन द मॉर्निंग, एक दिन जैसे है ना, एज जैसे माधो वॉज अबाउट स्टार्ट, यानी माधो क्या हुआ, अबाउट स्टार्ट यानी चलने को शुरू हुआ, अबाउट स्टार्ट यानी कुछ चीज़ करने को शुरू हुआ, ऑन हिज राउंड यानी अपने राउंड शुरू करना। राउंड यानी आपको पता है सबके घर जा जाकर दूध बांटना, उसे राउंडिंग कहते हैं। इन द मॉर्निंग, ठीक है, अपना राउंड शुरू किया अपने घर से बाहर निकलने के लिए। जैसे वो शुरू हुआ तब क्या हुआ, देखिए, तेनाली स्टूड बिफोर हिम, तेनाली उसके सामने खड़ा हो गया, तेनालीरमन उसके सामने खड़ा हो गया। माधो कार्ड इन फ्राइड, कार्ड इन फ्राइड यानी होता है डर गया, ठीक है, भयभीत हो जाना, उसे कार्ड इन फ्राइड बोलते हैं। अब माधो भयभीत हो गया, डर गया तेनालीरमन को सामने देखकर। फिर क्या हुआ देखिए, अब यहाँ पे उससे पूछ रहा है तेनालीरमन, क्या पूछ रहे हैं देखिए, व्हाई डू यू एड वाटर टू मिल्क। माधो सेड तेनाली ने कहा, क्या कहा, Why do you add? तुम क्यों मिलाते हो, Why यानी क्यों, Do you add water to milk? यानी तुम दूध में पानी क्यों मिलाते हो। और माधो उसका नाम है तो उसका नाम लेके बोला, माधो तुम दूध में पानी क्यों मिलाते हो। तेनालीराम ने पूछा, I do it to increase the quantity of milk so that I may make more money. ठीक है, अब बता भी रहे, देखिए, I do it, मैं इसे करता हूँ, to increase the quantity of milk. Increase यानी बढ़ाना, क्वांटिटी यानी मात्रा, ऑफ मिल्क यानी दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए मैं ऐसा करता हूँ। सो इसलिए कि आई मेक, है ना, आई मे मेक मोर मनी, मे यानी सकना, है ना, मैं क्या कर सकता हूँ, मेक यानी बनाना, मोर मनी यानी मैं ज़्यादा पैसा बना सकता हूँ, ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ, इसलिए मैं इसका मात्रा को बढ़ाता हूँ पानी डाल के। सैड माधो, माधो ने ऐसे कहा, भाई मैं इसलिए पानी डालता हूँ। तेनाली गेव हिम अ कैन ऑफ मिल्क आइडेंटिकल टू द वन माधो वॉज कैरिंग, ठीक है। अब इसका मतलब आप देखिए, तेनाली गेव हिम, तेनाली ने उन्हें दिया, गिव का गेव हो गया, गिव यानी देना, गेव यानी दिया, हिम यानी उसे, अ कैन ऑफ मिल्क यानी एक मिल्क का कैन दिया, कैन यानी वही बर्तन को, मिल्क का कैन बोलते हैं, तो दूध का बर्तन दिया उसे। और यहाँ पे देखिए, आइडेंटिकल यानी होता है उसी के जैसा, आइडेंटिकल यानी समान रूप से उसी के जैसा, टू द वन माधो वॉज कैरिंग, टू द वन यानी उसके किसके जैसा, जो एक माधो क्या कर रहा था, कैरिंग यानी अपने साथ ले जा रहा था, ठीक है। देखिए इस प्रकार से माधो एक जो दूध का कैन को ले जा रहा था, बिल्कुल उसी प्रकार से एक दूध का भरा हुआ कैन, आइडेंटिकल उसके ही समान,
दूध का भरा हुआ कैन तेनालीरामन ने भी उसे दिया कि लो भाई आप एक और ले लो दूध से भरा हुआ कैन। क्यों बोला ऐसे, देखिए मैं तुम्हें देता हूँ ये, ऐसे बोला। उसके बाद क्या हुआ देखिए, यू नाउ हैव, अब तुम्हारे पास है, यू नाउ हैव यानी अब तुम्हारे पास है डबल द क्वांटिटी ऑफ मिल्क, अब तुम क्या कर सकते हो, दूध की डबल मात्रा है यानी अभी तुम्हारे पास एक कैन था, मैंने तुमको क्या दे दिया, दो दो तुमको दे दिया हूँ। यू गॉट फ्रॉम योर काउस यानी तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे जो गाय से तुम्हें मिलेगा, गॉट यानी मिलना कोई चीज़, ठीक है, जो तुम्हें अपने गाय से प्राप्त होगी जो दूध, वो अब क्या हो जाएगा तुम्हें डबल हो जाएगा, ठीक है, दिस मॉर्निंग यानी इस सुबह। सीधी सी बात है भाई, वो क्या बोल रहा है कि ये दूध का एक कैन मेरे पास से ले जाओ, अब तुम्हारे पास क्या हो गया, डबल क्वांटिटी का दूध हो गया, एक तुम्हारे पास है मेरे पास है, पानी मत मिलाना भाई, आप यही काम करना, ठीक। उसके बाद क्या हुआ देखिए, माधो थैंक रमन प्रोफ्यूसली, ठीक है, अब माधो ने क्या किया, रमन को यानी तेनाली रमन को उसने क्या किया और धन्यवाद दिया उन्होंने। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रोफ्यूसली लिखा हुआ है, प्रोफ्यूसली का मतलब क्या होता है, दरिया दिली से, ठीक है, दरिया दिली से मन भर के एकदम प्यार से दिल भर के उसने क्या किया, उसे धन्यवाद दिया। पिकिंग अप द कैन और कैन को उठाया, ही स्टार्टेड वॉकिंग, उसने चलना शुरू किया, ही टुक अ फ्यू स्टेप, पर कुछ ही कदम चला था, एंड स्टॉप और रुक गया यानी कुछ ही कदम लिया और वो रुका। यस आज रमन, हाँ रमन ने पूछा, इज देयर एनीथिंग मोर यू वॉन्ट, क्या तुम और कुछ ज़्यादा चाहते हो, एनीथिंग यानी और कुछ तुम ज़्यादा चाहते हो, कौन पूछ रहे, तेनाली रमन, क्योंकि वो रुक गया था अचानक से तो उसने सोचा और ज़्यादा चाहिए होगा इसलिए रुका है। अब क्या बोल रहा है देखिए, आई वॉज वॉन्डरिंग सैड माधो, आई वॉज वॉन्डरिंग यानी मैं सोच रहा हूँ, सैड माधो ने कहा कि मैं ये सोच रहा हूँ, इफ़ यू कुड, यदि आप सकते हो, बस इतना ही बोला था, देखिए डैश 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 लिखा हुआ है, आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये क्या बोल रहा है, इफ़ यू कुड, यदि आप कर सकते हो, बस इतना ही बोला। यस, अब तेनाली रमन को सुन ही नहीं रहे, क्या बोल रहा है, यस डू यू वॉन्ट अनदर कैन ऑफ मिल्क, क्या तुम्हें दूसरा दूध का दूसरा कैन चाहिए, दूध का और भी बर्तन चाहिए। अब ये तेनाली रमन यही सोच रहे हैं कि इसके मन में लालच आ गया तो ये और दूध मांग रहा है मेरे से, एक कैन तो ले ही गया, एक तो मैंने दिया, तो ये वही सोचा इसके मन में यही है कि और लेना चाहता है। आज रमन ने कहा काइंडली, काइंडली यानी उदारता से, नो नो, अब वो क्या बोल रहा है, नो नो, नहीं नहीं, प्रोटेस्टेड माधो, माधो ने कहा, है ना, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नया शब्द यहाँ पे दिख रहा होगा प्रोटेस्टेड, तो ये प्रोटेस्टेड का मतलब क्या होता है, प्रोटेस्टेड का मतलब होता है आपका, उसने क्या, वैसे तो प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना, ठीक है, या फिर उसके मतलब आपत्ति करना, ये मतलब होता है प्रोटेस्ट का मतलब, लेकिन इसका मतलब क्या होगा, उसकी बात को टालना, ठीक है, उसके बात को उल्टा कर देना, यानी वो बोल रहा है कि आपको चाहिए तो इनकार कर दिया, नहीं 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 मुझे ये नहीं चाहिए। अब क्या बोल रहा है माधो, आई एम नॉट दैट मच ग्रीडी, मैं उतना भी लालची नहीं हूँ, कौन बोल रहा है माधो, कि नहीं नहीं आप गलत सोच रहे हो, मुझे वो दूध का बर्तन नहीं चाहिए, मैं इतना भी लालची नहीं हूँ। अब क्या बोल रहा है देखिए, ये एंडिंग है, जस्ट गिव मी अनदर कैन ऑफ वाटर, बस सिर्फ आप मुझे, जस्ट गिव मी यानी सिर्फ आप मुझे क्या दे दो, दूसरा एक भरा हुआ कैन दे दो पानी का। देखिए आखिर ये क्या मांगा, यहाँ पे बोल रहा है कि नहीं मैं उतना लालची नहीं, मुझे दूध का नहीं चाहिए कैन, आप मुझे क्या कर दो, एक कैन और दे दो पानी से भरा हुआ, यानी इसका मतलब क्या है, आखिर कुल मिला के ये क्या करेगा, उसमें भी पानी ही मिलाएगा। और यहाँ पे बहुत होशियार बन के क्या बोल रहा है कि नहीं नहीं मैं लालची नहीं हूँ, मुझे तो केवल पानी का ही कैन दे दो, दूध नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कुछ कुछ खास शिक्षा नहीं मिलती है, वैसे ये चीज़ नहीं करना चाहिए यदि आप लोग बिजनेसमैन है, ठीक है पानी मिलाना पड़ता है, जरूरी होता है कुछ मात्रा, लेकिन इतना भी लालच ना कीजिए कि भाई दूध दूध ना रहे पानी ही बन जाए, ठीक है, तो ये शिक्षा मेरी तरफ से। लेकिन यहाँ पे आपको जानने को मिला कि इन्होंने तेनाली रमन ने भाई उसे उदार भाव से दे दिया कि चलो एक और ले लो भाई कैन, ये लेने वहाँ से निकलने ही वाला था, चल ही रहा था, फिर सोचा कुछ सोचा और वापस आया। तेनाली रमन को लगा कि भाई ये फिर से एक और मांगना चाहता है और लालच आ गया, कोई बात नहीं दे दूंगा, क्या तुम्हें और कैन चाहिए, बस मिलावट मत करो। लेकिन वो बोल रहा है नहीं मैं इतना लालची नहीं हूँ, मुझे दूध का कैन और नहीं चाहिए, आप सिर्फ मुझे एक क्या कर दो, एक कैन पानी का दे दो, मतलब तो वही है मिलाने ही वाला है। तो ये थी आज की फ़नी स्टोरी, यदि थोड़ी भी पसंद आई हो, ऐसे फ़नी स्टोरी भी आपको पसंद आए तो कमेंट करेंगे, मैं ज़रूर लेके आऊँगा, थोड़ा हंसना भी जरूरी है भाई, कितने बार आप सीरियस रहोगे। तो यदि थोड़ी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देंगे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।